सारी चीजें है ना। आप मेरे लिए हेडेक, मतलब अगर मेरे लिए सीधी सी बात है, अगर आप मेरे लिए हेडेक होंगे, यहाँ पब्लिक मेरे लिए हेडेक होगी, तो मैं फिर आप लोगों के लिए हेडेक होऊंगा। भाई मैंने कहा था आप वे आउट करिए इसको, आप इमीडिएट देखे कन्वे करिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो फिर मतलब मैंने कहा कि एसेंशियल जब तक इन लोगों के लिए नहीं होता तब तक नूडल जी देखिए खाम का। मैं यहाँ नहीं चाहता कि मेरे लिए, मैं दूसरे लॉ एंड ऑर्डर सारी सिचुएशन छोड़ के और मैं पब्लिक के साथ में आऊँ। भाई आप यहाँ पे 200 आदमी खड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ इनको? या तो मैं ले जा रहा हूँ आपके घर के सामने खड़ा कर दूँ इनको, आपके घर के सामने खड़ा करूँ इनको, नहीं तो आप इनको मैनेजमेंट से क्लियर करिए ना, क्लियर कट में मुझे आप बताइए कि हो सकता है नहीं हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो मुझे बताइए, फिर मैच करवाना जानता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, मेरे पास इतनी बात वो नहीं है फुर्सत कि मैं यहाँ पे लोगों के मतलब वो छोड़ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और मैं यहाँ पे बिजली पानी इनके मेंटेनेंस, इन्हीं का पैसा, इन्हीं, ये सुनिए, पब्लिक जो पे कर रही है उससे आपको सैलरी मिल रही होगी या प्रॉफिट शेयरिंग होगा, तो ये मत भूलिए कि पब्लिक के हितों को दरकिनार मत करिए। मैं बता रहा हूँ आपसे, आप मुझे वो करिए, आप कितनी देर में आ रहे, मुझे ये कितनी देर में आ रहे, ये आप, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अगले दो घंटे में इनकी बिजली पानी एसेंशियल कमोडिटी और कूड़ा नहीं उठा, अगर कूड़ा नहीं उठा तो फिर आप देखिएगा मैं इन चीजों के लिए क्या करता हूँ। मैं रिटर्न में बता रहा हूँ कि जो भी इसके लिए इमीडिएट ऑथराइज होगा उसको मैं वो करूंगा, बाउंड डाउन करूंगा। आप आज ऑफिस में बैठ रहे हैं, कल ऑफिस में नहीं बैठ पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। अब इसको आप मेरी धमकी समझ लीजिए, और चाहे वो दो घंटे का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद आपको जिससे कहना हो होंगे गौर से, जो भी होंगे, बहुत बड़े बिल्डर होंगे, जो भी होंगे, मुझे कोई नहीं, मुझे यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है। आप करवाइए इसको इमीडिएट रिलीव। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। ये था जो आपने किया, यही एक्सपेक्टेड सर, यही मिनिमम एक्सपेक्टेड।